वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर यह अहम खबर है। पहले दिन का पहला सेशन रद्द हुआ है। साउथहैम्पटन में रुक रुक कर बारिश जारी है और इस बारिश में, क्योंकि ये पहले ही अगर जो वेदर फोरकास्ट हो रही थी वहां के बारे में, एक्यू वेदर भी कह रहा था, वो यही कह रहा था कि 60 से 90% बारिश हो सकती है पहले दिन और दूसरे दिन 25% के आसपास बारिश हो सकती है। तो साउथहैम्पटन में इस समय की जो तस्वीर है वो ये देख लीजिए, और खिलाड़ी इस समय सुस्ता रहे हैं और यही कह रहे थे आशीष जी कि अगर खेल की शुरुआत में हमको वेदर पर चर्चा करनी पड़े तो ये अपने आप में, दिनेश, हम इस बात को मान रहे हैं कि गेम रुक रुक के होगा तो हमें ये भी देखना होगा कि टीमें कैसे एडजस्ट करती हैं। जब बरसात होती है तो स्क्वायर तो कवर होता है, लेकिन स्क्वायर के बाहर के जो ग्राउंड होता है वो कवर नहीं होता। तो जो टीमें हैं आजकल वो कोशिश ये करती हैं कि शुरुआत में गेंद आउटफील्ड में मारो। अगर आप आउटफील्ड में मारते हो तो गेंद जो है वो गीली हो जाती है, उसका सीम और स्विंग बंद हो जाता है। तो 8-10 ओवर ही सीम स्विंग करता है जब तक स्क्वायर में रहती है, और जब गेंद बाहर जाना शुरू कर देती है बरसात में तो उसका सीम और स्विंग बंद हो जाता है। तो टीमों के लिए ये बहुत एक अच्छी, एक उनके लिए एक तरह से एक आश्चर्यचकित करने वाली बात होगी, एक उनके लिए पहेली होगी कि वो कैसे इन कंडीशंस में अपने को आत्मसात करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन फिर से बैठाना, फिर चला जाना, राइट। तो ये स्टॉप एंड स्टार्ट काइंड ऑफ टेस्ट मैच होगा और सबकी पेशेंस टेस्ट करेगा, देखने वालों की भी और खेलने वालों की। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि जब तक में आप रिदम पकड़ते हैं तब तक में बारिश हो, रिदम तोड़े, फिर से आप आएं, फिर से अपने आप को चालू करें, और फिर जब तक आप तैयार हो रहे हो, मौसम इस बार बहुत और बहुत बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा करने वाला है। और एक और अहम खबर बता दें आपको कि विराट कोहली ने मैच को लेकर कुछ खास कहा है, वो क्या कहा है सुन लें, फिर बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये एक वन ऑफ टेस्ट के लिए नहीं आए हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे 6 टेस्ट मैच खेलने के लिए आए इंग्लिश समर एंड होने तक। और जैसे मैंने बोला, आप एक टेस्ट जीतने के बाद ऐसा नहीं है कि अपना या तो पूरा टीम प्लान बदल देंगे या टीम कॉम्पोजिशन बदल देंगे या खेलने का तरीका बदल देंगे। हमारे प्लेयर्स को बहुत अच्छे से पता है उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है और कैसे उन स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करना है, और वो करेंगे ये 6 टेस्ट मैचेस के पीरियड में। तो हम जो सोच रहे हैं बहुत अलग है, बाहर जो लोग उसको परसीव कर रहे हैं बहुत अलग है। तो अभी उसमें मेरे को बहुत डिवाइड फील हो रहा है, तो शायद मैं उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन जैसे मैंने बोला, हम लोग सिर्फ एक प्रोसेस जो हमने क्रिएट किया है एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करने का, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। क्या वैसा ही है जो सुनाई दे रहा है या उसके बीच में सुनना पड़ेगा जो कहा जा रहा है? शिवेंद्र, दिनेश, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि दबाव तो है, दबाव जो मैंने पीस लिखा था वो विराट कोहली के लिए लिखा था, क्योंकि विराट कोहली जब भारतीय टीम रवाना हो रही थी इंग्लैंड, तो उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। सवाल ये है कि ये भारत की क्रिकेट है, और भारत के क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी, जिसको भगवान भी हमने कहा, वो भी अगर रन नहीं बनाता था तो आप याद कीजिए एक दौर था जब उसके ऊपर सवाल उठते थे, उसको टीम से ड्रॉप करने की बात होती थी, कई बार तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हो जाती थी जो नहीं होनी चाहिए, जिसको हम फैंस के गुस्से के तौर पर देखते हैं। आप धोनी की बात कर लें, जिन्होंने आपको सारे खिताब दिलाए, उनके खिलाफ नाराजगी हुई, तो आप ये नहीं कैसे, आप ये कहिए कि हाँ, उम्मीदों का जो बोझ है या क्रिकेट फैंस की जो उम्मीदें हैं वो दबाव है, क्रिकेट का दबाव नहीं है, लेकिन आप ये कह दें सरे, मतलब एक सिरे से कह दें कि दबाव ही नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा शायद मुश्किल है कि बिना दबाव के खिलाड़ी, और खासतौर पर कप्तान विराट कोहली जैसा, और जिससे पिछले 1.5 साल से शतक नहीं लगा है, इन सारी बातों का दबाव तो मेरे हिसाब से तो होता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।